हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। ये एक जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। ये सभी साइंस के लिए होगी, सभी जेंडर के लिए होगी। आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आप देख सकते हैं, आप मैरिड हैं सेपरेशन में तो भी देख सकते हैं, और आप सिंगल हैं अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आप पॉजिटिव हो जाइए, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनके लिए। द डेविल, टू ऑफ पेंट्स, द स्टार, द चैरियट। ओके, ये कार्ड आया एट ऑफ कॉइंस और बॉटम में है जजमेंट। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में बराबरी देना चाहते हैं, बराबरी का आपको प्यार लौटाना चाहते हैं, और आप भी इस रिश्ते में नई शुरुआत करके नई तरीके से सारी चीज़ें, नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। ठीक है गाइज, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे। गाइज, जब ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों का रिश्ता टूटा होगा, जब आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई होंगी, तो मेरे किसी व्यूअर ने बराबर से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, बराबर का मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या तो आपने सवाल किए होंगे उनसे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो या कर सकते हो। जो लोग मैरिड हैं उन्होंने भी कहा होगा कि तुम अपनी फैमिली के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए मेरे साथ कैसे ऐसा कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, लेकिन अब उस झगड़े से ना आपके पार्टनर खुश है ना आप खुश हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच में आग तो लगा ही रहा है, लेकिन आपके पार्टनर ना गाइस इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ये समझ गए कि कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों को दूर करना चाहता है। ठीक है, अब आगे होकर आपको अपने पार्टनर से ये कॉल पर, मैसेज पर ये नहीं कहना है कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है या वो तीसरा इंसान ऐसा है। आपको सिर्फ अभी फिलहाल अपनी ज़िंदगी से मतलब रखना है, आपको अपने पार्टनर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये नहीं सोचना है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप शांति बनाए रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। लेकिन टू ऑफ वैंड्स गाइस, यहाँ बराबरी का प्यार, बराबरी का सपोर्ट, बराबर की केयर मुझे यहाँ दिख रही है आपके पार्टनर के साथ आपकी। अगर पहले रिश्ता टूटने से पहले आप दोनों के बीच में बराबरी का सब कुछ था, वो वापस से आएगा, बराबरी का प्यार केयर वही आएगी आप दोनों की। हो सकता है आपके पार्टनर जब आपसे दूर हुए तब उन्हें अपनी आपकी वैल्यू समझ में आई है, लेकिन जब अब आपके पार्टनर आएंगे तो आपको, आप अपनी लाइफ में सेल्फ वर्क इतना कर चुके हों कि आप अपने आप पर ही डिपेंड रहें, अपने पार्टनर पर किसी भी तरीके से डिपेंड ना रहें, ना प्यार के लिए, ना केयर के लिए, ना फाइनेंशियली। जो वीमेंस हैं वो अपने लिए कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हैं, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ट्यूशन कुछ भी आप स्टार्ट करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जो मेल हैं वो अपने जॉब बिजनेस पे अपने आप पर फोकस करें। जब आप सेल्फ लव करेंगे तब, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं या इस जर्नी में नहीं होकर भी मैरिड हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपका रीयूनियन होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सेल्फ लव करने के साथ साथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बराबरी का प्यार है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसलिए आपका पॉजिटिव रहना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द स्टार गाइस, आपकी लाइफ में प्यार तो वापस आएगा, यहाँ आप देख रहे हैं हार्ट शेप बना हुआ है स्टार्स के साथ। लाइफ में आपके अबंडेंस आने वाली है, तो अपनी नेगेटिविटी से अबंडेंस को दूर मत कीजिएगा, खुशियों को दूर मत कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, नई शुरुआत है आपके लाइफ में। द चैरियट, जिन लोगों के पार्टनर के साथ, वो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी हैं, उनके पार्टनर जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो आपके साथ आ सकते हैं वो वापस से,
अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए वापस आ रहे हैं, अगर आपका इंगेजमेंट या रोका कुछ हो चुका था फिर भी आप दोनों के फैमिलीज के बीच में भी कोई दिक्कत आ गई, हो सकता है किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, तो वो सारी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन गाइज अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का तो भी आप एक पॉजिटिविटी के साथ कीजिए और सोचिए आपके पार्टनर आपके पास आ गए हैं, ठीक है, नेगेटिव मत होइए ना। मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग की शादी ना गाइस किसी अपने इन लॉज की वजह से टूटी हुई होगी, आपके इन लॉज आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं। किसी किसी की मुझे यहाँ पे सेकंड मैरिज है, उसमें भी मुझे इश्यूज हैं और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सेकंड मैरिज है उसमें भी हमें इश्यूज आ रहे हैं, तो गाइस वहाँ पर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास एट ऑफ कॉइंस। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कॉल मैसेज कर सकते हैं बहुत जल्दी, क्विक एनर्जी है और आपसे दूरियां तो नहीं होंगी क्योंकि वो आपको संभाल कर रखना चाहते हैं, वो आपको खोना तो बिल्कुल भी किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से ना आप पॉजिटिव हो पा रहे हैं, ना आप अपने रिश्ते को रिश्ते के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव कर पा रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कॉल पर बात करना चाहते हैं, आपका आपका प्यार वापस और आपकी जो जो जिम्मेदारियां हैं, जो प्यार है, जो आप डिजर्व करते हैं वो सब लौटाना चाहते हैं, आपको एक स्टार की तरह अपनी ज़िंदगी में मानते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव बोले तो कि उनको सिखाने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझदारी से काम करना होगा, सोचना होगा अच्छे से सारी चीज़ों को, आपको खुद को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी। स्प्रिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और पेंटिकल्स की एनर्जी है हमारे पास, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी हाँ सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके आपके पार्टनर जो है अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और अगर आप भी कुछ जॉब या कुछ करना चाहते हैं, आप मेल फीमेल हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर आप टू ऑफ कप्स गाइस, यहाँ पर हमारे पास टू ऑफ वैंड्स और टू ऑफ कप्स है, देख लीजिए आप दोनों के बीच में बराबर का प्यार है गाइस, बराबर की केयर, बराबर की सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर आपको वापस देना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं इस रिश्ते पर क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं आपको। रिश्तों में थोड़ी बहुत कड़वाहट या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अगर एक ही रास्ते पे चलती रहेंगी चीज़ें तो लाइफ में कैसे मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का, थोड़ा उतार चढ़ाव बनते हैं होते हैं, हम घर में रहते हैं ना तो भी घर में भी होता रहता है थोड़ा बहुत, तो इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग, मतलब कुछ कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हम टूट के बिल्कुल बिखर गए, हमारे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़े, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम आगे बढ़ने का सोच नहीं पाते हैं, सेल्फ लव कैसे करेंगे, ये सब कुछ नहीं है, सबकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप दुनिया में बाहर निकलेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे, तो आपको लगेगा यार ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होता है, और फिर भी शायद मेरे साथ ऊपर वाला सोच समझ के देता है, जो बर्दाश्त जितना कर सकता है ना उतना ही उसे तकलीफ देता है वो, बस हम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है, कमजोर नहीं पड़ना है, हालात से बस लड़ते रहना है, स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आपके पार्टनर को जो मैं कह रही थी कि मुझे कुछ दिख रहा है ऐसा कि कुछ नेगेटिव लोग हैं उनको जो आपके खिलाफ करते रहते हैं, वो अब उन लोगों की बातों से बाहर आ जाएंगे, एक रास्ते पे वो है जो रास्ता आपकी तरफ आता है, क्योंकि उनको आपका प्यार आपको लौटाना है, आपकी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के पार्टनर ने ना आप लोगों को बहुत बुरा भला कह दिया, तो वो गिल्ट भी फील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आना तो चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ, चैरिट उनके दिल दिमाग में से वापे वो आप अपने आप को रोकना भी चाहेंगे ना अपने आपके पास आने से, तो अपने दिल दिमाग में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, उनको एंजल्स तो लेकर ही आएंगे आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, मेरे कहने से 21 डेज तक आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए,
21 डेज तक कंटिन्यू उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, बस पॉजिटिव। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जस्टिस, देखिए गाइस जस्टिस आया है। मैनिफेस्ट करने का नाम ले रहे थे हम और यहाँ पर हमारे पास आया जस्टिस। गाइस ये कंफर्मेशन है, 21 डेज तक आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। नेगेटिव बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंड्स, आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपके साथ बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। बॉटम में अगेन हमारे पास ऐसा कोई कंट्रोलिंग इंसान है आपके पार्टनर की लाइफ में जो उन्हें कंट्रोल करता है, उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के बारे में उनको गाइड करता रहता है, भाई कंट्रोल करो, लेकिन वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को। द चैरियट है, वो आएंगे ज़रूर। हमारे पास एक और था चैरियट का कार्ड ना, ये रहा, वो आएंगे ज़रूर गाइस। डबल कंफर्मेशन है हमारे पास, टू ऑफ वेंड्स, टू ऑफ कप्स एंड चैरियट। आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही आएंगी। तो मैरिड है ना गाइज, उनके पार्टनर के साथ उनका रीयूनियन होगा जल्दी, और जो सिंगल है उनके पार्टनर के साथ उनको कमिटमेंट जल्दी मिल सकता है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग देख लीजिए, एंजल्स का मैसेज है, न्यू बिगिनिंग। यहाँ कोई कार्ड आया भी हमारे पास, देखते हैं क्या है। अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस, देख लीजिए सब कुछ पॉजिटिव है। न्यू होम गाइज देख लीजिए, अगर आप मैरिड हैं गाइज तो आपके पार्टनर के साथ आप नए घर में जा सकते हैं, या अगर आप हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी रेंट के घर में या कहीं नई जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड आपको अपने इन लॉ से अलग ले जाकर रह सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो सकती है, आप अपने मम्मा पापा का घर छोड़कर, लड़कियां हैं तो अपने हस्बैंड के घर में जाने वाले हैं, और अगर आप लड़के हैं तो आपकी जल्दी फैमिली शुरू होने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी गाइस, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बस आपको सब पेशेंस, आपको बस सब्र रखना होगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, बाय बाय।